हाँ अभिमन्यु जाओ, इसे जल्दी छोड़ के आओ। उधर की बात करना बंद करिए और काम पे ध्यान दीजिए। सब खड़े हैं ना लाइन में? टिफिन के लिए थैंक्स माँ। अक्षु पूरा खाना खत्म कर लेना। हाँ कर लूंगी। अभी कहाँ हो तुम? जल्दी चलो ना, मैं लेट हो जाऊंगी मेरे पहले दिन पर ही। हाँ अभिमन्यु जाओ, इसे जल्दी छोड़ के आओ। अब वो हॉस्पिटल इसके ससुराल वालों का थोड़ी है जो वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। फर्क तो अब पता चलेगा ना जब बाहर काम करना पड़ेगा। काम भी करो और बातें भी सुनो। बिरला हॉस्पिटल में तो खैर हिसाब ही अलग था। काम करो ना करो सब कुछ स्मूथली इजीली चल रहा था। मुझे बाहर काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट कोई भी हो, इनफैक्ट पेशेंट चाहे जो भी हो, मेरी सिंसियरिटी मेरे काम की तरफ तो वही रहेगी ना। तुम्हें ना म्यूजिक थेरेपी की जगह मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। उसमें पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं और टाइम बहुत अच्छे से पास होता है। सीरियसली ताई जी, आज मेरा फर्स्ट डे है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, गुड लक बोलिए। पर ये डीमोटिवेट क्यों कर रही है? और मैं वहाँ पैसे कमाने के लिए थोड़ी जा रही हूँ, वैल्यू कमाने के लिए जा रही हूँ, नाम कमाने के लिए जा रही हूँ। मुझे अभी ने कहा था कि मुझे खुद प्रूव करना है, जैसे उसने प्रूव किया था फैमिली हॉस्पिटल में काम करके। उसने अपनी अलग पहचान बनाई, अपना नाम बनाया। अभी जल्दी चलो। आया आया आया। तो पहले दिन लेट करवाओगे मुझे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम कभी लेट नहीं होगी। अब क्या ढूंढ रही हो? क्या नहीं मिल रहा है? अब तुम्हारी क्या कर रही हो तुम? अब किसकी वजह से लेट हो रहे हैं? तुम भी ना हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। बच्चों की जो ट्राइसिकल आते हैं, तो चक्के लगवा दूं तुम्हें? और नहीं तो क्या? अब किसकी वजह से लेट हो रहे हैं? इधर उधर की बात करना बंद करिए और काम पे ध्यान दीजिए। सब खड़े हैं ना लाइन में? क्या चल रहा है यहाँ पर? कंप्लेन करूं मेडिकल एसोसिएशन में? बंद हो जाएगा आपका हॉस्पिटल। अभी ट्रस्ट का हॉस्पिटल है ना, फिर आप लोगों को प्राइवेटली दिखाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? कौन है सीएमओ? कौन है? बुलाइए सीएमओ। कौन है? बुलाइए उन्हें। कौन है सीएमओ? कौन है? बुलाइए सीएमओ को। सीएमओ को बुलाइए, उस डॉक्टर को बुलाइए जो अभी है इंचार्ज। जो भी ड्यूटी पे इस वक्त डॉक्टर है उसे बुलाइए। बोलना कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला मिलना चाहता है। बुलाइए। I am waiting. I will not go. जाइए बुलाइए। क्या हुआ सर? क्या पूछ रहे हैं? क्या हुआ? शर्म नहीं आती आप लोगों को? जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? चैरिटी हॉस्पिटल है ना, फिर आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मना कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, किसी को मना नहीं किया, हम क्यों मना करेंगे? हम तो सर जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। सर आपको कुछ गलत फहमी है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अभी कंप्लेन करूंगा ना मेडिकल एसोसिएशन में, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा आपका। नहीं सर, आप शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर नवीन को बुलाता हूँ। सर उनका आज डे नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ जाएंगे। अच्छा आज तो बुला लेंगे, इसके बाद क्या आगे क्या? सर मेरा यकीन करिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ आपको। सर ये सारा दोष इस रिसेप्शनिस्ट का है, मतलब कमीशन अंदर करने के लिए कुछ भी करते हैं। सर आज मैं इसकी रिपोर्ट जरूर करूंगा। ये आपका इंटरनल मामला है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो पैसा आप गवर्नमेंट से लेते हैं, जो टैक्स बचाते हैं आप चैरिटी के नाम पर, उसका यूटिलाइजेशन उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। बस बात समझ में आई आप लोगों को? है कोई जवाब आप लोगों के पास?